बाबा जी मेरे लिए मन काबिल एहतराम। उन्होंने मुझे उस वक्त एतमाद और यकीन दिलाया जब जब मेरी कोई हैसियत ही नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी इस चीज का एहसास नहीं होने दिया। खैर वो सब कुछ तो मैं भूल चुका हूँ, अगर याद है तो सिर्फ आपकी मोहब्बतें और ईमान की नायन है। भाई आप उल्टा बोल गए, यूं कहे ना कि आगा जी की अनायतें और ईमान की मोहब्बतें। हाँ वो ही ना। वैसे आगा जी मैं सोच रही थी क्यों ना हम आज ही भाई का रिश्ता लेकर चलें। ओ बल्कि अंगूठी भी आज ही ले जाते हैं, आज ही मंगनी कर लेंगे। क्या कर रही हो, तो सब्र रखो अभी बहुत टाइम है। सबर ही तो नहीं हो रहा, आप बताएं आपसे सबर हो रहा है? मैं जा रहा हूँ, अच्छा कहाँ जा रहे हैं, अंगूठी लेने जा रहे हैं क्या? वो मैंने बहुत पहले से ले रखी। अल्लाह का कितना करम है कि उसने मेरी हीरे जैसी पोती को हीरे जैसा माज दिया है। अल्लाह भी क्या लाजवाब जोड़ियां बनाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आगा जी चाय लाऊं आपके लिए? हाँ बेटा पिला दो। जरा से हालात क्या बदले हैं, आपने तो जहीन पर पड़ी खाक को भी अपने सर पे सजा लिया। ये हमारे भी आगा जी का फैसला है। अच्छा आगा जी तो शायद पहले भी यही चाहते थे, लेकिन आप तो हर चीज को हकारत से ठुकरा दिया करती थी। वैसे मैंने रियलाइज किया माँ सब इतना भी बुरा इंसान नहीं है, वो डिस्पोजिशन पे है ना, उसके ख्वाब हजारों लोग देखते। वैसे तुम भी कोशिश करना कि ऐसा नहीं तो इससे कोई कम हैसियत का दामाद ढूंढ लेना अपनी बेटी के लिए। क्या बात है सूर मूड के ऊपर क्या रहने दे आप, ये क्या समझते हैं अपने आपको? माज बेटा एमन को रिंग पिनाओ ना। चलो बिस्मिल्लाह करो।